यहाँ पे सारे बिल्डर्स को तो हमने काम के लिए लगा दिया है, लेकिन लेकिन यहाँ पे दो बिल्डर वेला पड़े हैं, तो इसको हम लगाते हैं टेस्ला टावर के ऊपर। और टेस्ला टावर 5 दिन 12 घंटे का टाइम लेगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे 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 ओ तो ठीक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो जो 3 बिल्डर यहाँ पे खाली पड़े हैं, इसको हमें लगाना पड़ेगा सही काम के लिए। तो हीरोज़ भी यहाँ पे खाली पड़े हैं, तो कुछ चीज़ को तो अपग्रेड के लिए लगाना पड़ेगा ही। अभी गोल्ड एलिक्सिर, डार्क एलिक्सिर यहाँ हमारे पास भर भर के पड़े हैं, ये तो तुम्हें देखने को मिल रहा ही होगा। और इसके ज़रिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ पे जो विजेट टावर अपग्रेड हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ डालेंगे। लेकिन यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर जो जो चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए रखे हैं, जैसे डार्क एलिक्सिर से हम लोग गोले को कर सकते हैं। ये मोसड़ी का पत्थर का ढेर इतना गंदा है, इसको मैं यूज़ नहीं करता। हाँ, कभी कभी फार्मिंग के समय गोलेम डाल के मैं पीछे से विजेट डाल देता हूँ, अच्छा रहता है, तब ये काम में आता है। लेकिन अभी काम में नहीं आता, वो नीचे वाले टाउन हॉल में गो वाइप के समय आता था, अभी सारा पत्थर का ढेर कोई भी काम में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे इन्फर्नो टावर को अपग्रेड के लिए डाल दिया है, क्योंकि इस बार ये मैक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, जैसे 9 दिन 12 घंटे, मतलब लगभग 10 दिन का टाइम लेने वाला है। वही बुढ़ो को वो हम अपग्रेड के लिए डाल देंगे, बुढ़ो टाइम लेगा 6 दिन 5 घंटे। और यहाँ पे मैंने गोल्ड वगैरह एलिक्सिर वगैरह कलेक्ट कर लिया है, डार्क भी सब कुछ, लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। तो हमारे पास एक बिल्डर खाली पड़ा है, और ट्रेजरी के अंदर बहुत सारा गोल्ड एलिक्सिर डार्क एलिक्सिर था, तो उसको हमने कलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे जो जो चीज़ें करने के लिए हैं, जैसे एक बिल्डर हमारे पास खाली पड़ा है, तो इसको तो हमें काम के लिए लगाना पड़ेगा। इसके पहले क्या करते हैं, हमारे पास 2 रून और कुछ वॉल रिंग्स पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किंग को अपग्रेड के लिए लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे गोल्ड पास ख़त्म होने में 1 दिन और 20 घंटे बाकी हैं, तो हम हमारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ट्रेजरी है, हमारा जो लूट का ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि एलिक्सिर, गोल्ड, डार्क एलिक्सिर और यहाँ पे 5 मिलियन का मिलने वाला है, ये भी हमें मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा हमारे पास। वो गरीब वाला अकाउंट था ना, ये महंगा वाला अकाउंट है। तो इसके अंदर रून भी पड़ा हुआ है, मतलब मेरे सारे अकाउंट के अंदर बहुत सारे रून पड़े हुए हैं। तो हम चलते हैं अभी अटैक के लिए, जहाँ पे 2x लूट बोनस मिलेगा, 1.5 मिलियन से ज़्यादा। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आर्मी उतना ठीक नहीं है, तो अटैक के लिए तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने वार्डन को अपग्रेड के लिए लगा दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। तो चलते हैं अटैक के लिए, वार्डन के बिना ही हमें अटैक करना पड़ेगा। अभी हमें लूट तो उतना अच्छा नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा बेस चाहिए जिसके अंदर हम लोग 3 स्टार कर सकते हैं। तो लूट भी लगभग चाहिए होगा, क्योंकि देखो डार्क एलिक्सिर लगभग आधा हो चुका है, तो उसे भी भरना है, मतलब काला पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे 9000 का डार्क एलिक्सिर हमें मिल चुका है, तो हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन को डिप्लॉय कर दिया है, इसी साइड से हमें मिल जाएगा डार्क एलिक्सिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि कलेक्टर स्टोरेज बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये वाला बेस एक डेड बेस है, तो इसके अंदर से हमें 3 स्टार भी मिलेगा, साथ में लूट भी अच्छा खासा मिलेगा, मतलब डार्क का लूट वो भी अच्छा खासा मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैंने रेड स्पेल को और फ्रीज स्पेल को सही ढंग से डिप्लॉय कर दिया है। अभी यहाँ पे जो सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, ये बहुत दिक्कत दे सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास और फ्रीज स्पेल तो बचा नहीं, तो इसको हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन भटका सकते हैं किसी भी चीज़ से। जैसे ये वाला इन्फर्नो टावर फ्रीज हो गया, वैसे ये वाला इन्फर्नो टावर भी ऐसे फ्रीज हो जाएगा। ये देखो, ये डेड बेस का सबसे अच्छा चीज़ होता है, जब कोई भी डिफेंस ऐसा होता है, मतलब जो मेजर डिफेंसेस होते हैं, इन्फर्नो टावर, ईगल आर्टिलरी और एक्सबो, ये ऐसे फ्रीज हो जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे पहला वाला हुआ और दूसरा वाला भी हुआ, ये अच्छा है, क्योंकि हमें 3 स्टार तो मिल ही जाएगा इससे, क्योंकि देखो वार्डन अगर नहीं है और बेस के अंदर, मतलब डेड बेस है, वो भी मैक्स बेस और डेड बेस है, लूट भी अच्छा खासा है, और ये वाला ऐसा अटैक जाता है, तो ये 3 स्टार होना तो बनता ही है। तो 3 स्टार ये वाला अटैक तो हो चुका है, अभी 94-95 ऐसे करके बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला अटैक जल्दी 3 स्टार हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है।
किंग के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बचे हैं। क्वीन की एबिलिटी तो जा चुकी है लेकिन हेल्थ अच्छा खासा बचा था और उसने 3 स्टार ऐसे करके निकाल लिया। 31 ट्रॉफी हमें मिले हैं। अभी क्या करेंगे, हमारे पास गोल्ड तो लगभग फुल हो चुका है, दूसरे अटैक के लिए भी चलते हैं। हमें डार्क तो अच्छे खासे चाहिए भाई, डार्क नहीं होगा तो कैसे चलेगा। हीरोज़ को हम अपग्रेड नहीं कर सकते, जैसे 2 बिल्डर खाली होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लूट हमें मिलने को दिख रहा है, मतलब देख रहा है कि बहुत अच्छा खासा लूट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूट तो करेंगे लेकिन आर्मी तो हमने डिप्लॉय कर दिया है, साथ में सीज मशीन। अगर यहाँ पे वार्डन होता तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ पे किंग और क्वीन को डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डार्क भी कलेक्ट हो सके और इस बेस को 3 स्टार करना ज़रूरी है। तो ये वाले जो एयर स्वीपर हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है इलेक्ट्रो ड्रैगन का। जैसे जब उड़ने वाले ट्रूप होते हैं उसके अंदर सबसे मतलब डेंजरस, सबसे डिफेंस है जो सबसे डेंजरस टिक है वो है एयर स्वीपर, साथ में ये सिंगल टारगेट इन्फर्नो जो कि बहुत डैमेज देता है। जैसे वो वाला इन्फर्नो मतलब इन्फर्नो टावर एक इलेक्ट्रो ड्रैगन को पकड़ लिया है, अब उसको मार के ही छोड़ेगा। उसका इतना तगड़ा स्टिक बीम है उसके, उसको मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि एक बार पकड़ लेता है तो सिंगल टारगेट इन्फर्नो मार के ही छोड़ता है कोई भी ट्रूप को। ये वाला अटैक तो 3 स्टार होने ही वाला है, मुझे तो लगता है 3 स्टार होगा, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम 2 मिनट का पड़ा हुआ है। साथ में यहाँ पे बेस के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं तोड़ने के लिए, ये हो सकता है कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। क्योंकि देखो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जैसे एक्सपो मैंने बोला और ये 1 स्टार होके ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और आर्मी हमारे बहुत कम थे। तो मैंने सारा का सारा लूट तो इकट्ठा कर लिया है, गोल्ड यहाँ पे फुल हो चुका है, अभी हम ये तो कलेक्ट नहीं कर पाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 1.6 मिलियन का ये जो गोल्ड और एलिक्सिर का लूट है ये तो हमें मिला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीज़ें तो हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तो अभी 673 जेम्स लगेंगे इसको अपग्रेड करने के लिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे गोल्ड पास में कोई चीज़ मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। अभी क्या है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे हम लोग हीरोज़ को यहाँ पे मैक्स कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले कैनन को हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं। 4 दिन 6 घंटे का टाइम लेगा और यहाँ पे कैनन 1 लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अभी जो 17 घंटे का टाइम है इसके ये थोड़ा वेट करते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे सीजन हो रहे हैं, मतलब हमें बहुत यहाँ पे क्लैन गेम्स का रिवॉर्ड भी पड़ा हुआ है, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी 20 जेम्स यहाँ से उठाएंगे, साथ में यहाँ से ये जो हीरो पोशन, और यहाँ से उठाएंगे सबलब ऑब्स्टेकल, और यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, हमें हीरो पोशन उठाना पड़ेगा, साथ में बिल्डर पोशन मतलब बिल्डर को फास्ट करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत होती हैं उसे हम लोग उठा लेंगे, तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। तो 50 जेम्स यहाँ से नहीं, ये वाला जो चीज़ें हैं 50 जेम्स यहाँ से उठा लेते हैं, बहुत ज़रूरत है जेम्स की तुम्हें डोनेशन देने के लिए। तो यहाँ पे आर्मी को यहाँ पे वैसे भी ट्रेन पे लगा देंगे, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं यहाँ पे आर्मी को अपग्रेड करने के लिए और बाद में पछताना पड़ता है। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे अपग्रेड के लिए लगाया है उसको फास्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बिल्डर पोशन तो है, तो उसे हम लोग लगा देते हैं। 2 घंटे यहाँ पे फास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा तगड़ा तरीके से यहाँ पे अपग्रेड होने वाला है। अभी ये जो 17 घंटे का टाइम है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे में, तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी यहाँ पे जो जो चीज़ें हम बेचेंगे उसको हम लोग अच्छे तरीके से बेच डालते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिल सके, जेम्स यहाँ पे मिल सके। तो 150 जेम्स हमें यहाँ से मिला है, तो 150 जेम्स हमें यहाँ से मिला है, और ये जो पोशन है इसको हम लोग लगा देंगे, क्योंकि लैब के अंदर सारे चीज़ें फास्ट हो जाते हैं, तो फास्ट हो गया। अभी जो चीज़ें हमने अपग्रेड किया था वो तो हमने फास्ट कर दिया, और जल्दी जल्दी अपग्रेड भी कंप्लीट हो जाएगा। सुपर ट्रूप के अंदर कुछ चंद ट्रूप हैं जिसको मैंने खोला नहीं है, इसके अंदर सुपर माइनर और सुपर बोला तो अभी नहीं खुलते, और वो सारे ट्रूप अभी खुल जाते हैं, तो इसको हम लोग बाद में कभी खोलेंगे। तो इतना हम लोग अपग्रेड तो जल्दी जल्दी तरीके से कर रहे हैं, तो मैक्स होने का वेट करेंगे हम लोग। और यहाँ पे 1029 जेम्स दे रहा है जो कि बहुत गलत बात है, इतना जेम्स नहीं लेना चाहिए था, साला फकीर कर देंगे ये सारे कंपनी सुपरसेल। तो देखो भाई आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और
जो जो नया नया वीडियो आएगा उतना तगड़ा स्टिक तरीके से बनता जाएगा। तो आज की वीडियो में देखो गाइस, इतना ही रखते हैं, बाय।